तो हम सबको पता है कि थोर एक लाइटनिंग गॉड होने के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी है, और एवेंजर्स 4 में थोर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है क्योंकि थोर अकेले ही थैनोस को हरा सकता है। हम सबको थोर के बेसिक पावर पता है, जैसे फ्लाइंग, वेदर मैनिपुलेशन, सुपर स्ट्रेंथ और भी बहुत सारे। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम थोर के कुछ सीक्रेट पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। गॉड ब्लास्ट। थोर एक गॉड ऑफ थंडर है जिससे वो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। थोर रैग्नारोक में थोर ने एक पंच में हल्क को दूर उड़ा दिया था, और थोर ने 9 रियलम्स में अभी तक हजारों एनिमीज को ख़त्म किया है, और थोर बिना म्यूनियर और स्टॉर्मब्रेकर के भी बहुत पावरफुल है। एक टाइम आने पर थोर अपने अल्टीमेट पावर यूज़ कर सकता है जिससे थोर ने हेला पर यूज़ किया था थोर रैग्नारोक में। सुपर स्पीड। अगर हम मार्वल कॉमिक को उठाकर देखें तो वहाँ पर हमें साफ दिखेगा कि थोर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होने के साथ फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है, और कॉमिक में थोर ने क्विक सिल्वर को भी हराया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि थोर कितना फास्ट है, तो अभी तक इसका आंसर क्लियर नहीं है। लेकिन थोर ने कॉमिक्स में खुद कहा है कि अगर वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करे उड़ने के लिए, तो वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। थोर अपने स्पीड से पूरे यूनिवर्स के चक्कर सिर्फ कुछ मिलीसेकंड में पूरा कर सकता है। म्यूनियर की हेल्प से थोर टाइम ट्रैवल कर सकता है, और थोर ने टाइम ट्रैवल मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में तो नहीं की, लेकिन टाइम टाइम पर कॉमिक में करते रहा है। ऑल टंग। अभी तक अर्थ पर 7000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, और ज़्यादातर लोगों को 2 से 3 लैंग्वेज ही आती है, और हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम अर्थ के सारे लैंग्वेज सीख लें। लेकिन थोर एक एस्गार्डियन गॉड और प्रोटेक्टर है 9 रियलम्स का, और सारे रियलम्स की भाषा अलग अलग है, और एस्गार्ड पर डिफरेंट लैंग्वेज सिखाई जाती है जिसमें ग्रूट भाषा भी आती है जो एक ऑप्शनल लैंग्वेज थी। तो बेसिकली थोर यूनिवर्स की कोई भी भाषा बोल सकता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज दिखाई जाती है ताकि हम लैंग्वेज को लेकर कन्फ्यूज़ ना हो। सुपर ह्यूमन हीलिंग। थोर के पास भी हीलिंग पावर्स है, लेकिन डेडपूल और वॉल्वरिन के हीलिंग पावर से थोड़ा स्लो। थोर के पास अनलिमिटेड पावर्स है, लेकिन थोर को मारा जा सकता है और नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है, और हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर को हील होते देखा है, जिसका एक एग्जाम्पल हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखा। जब नेडरवेल का स्टार की फोर्स थोर पर गिरती है तब थोर जल जाता है, लेकिन अपने लाइटनिंग पावर्स और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थोर खुद को हील भी कर लेता है। माइंड पावर्स। थोर बाकी एवेंजर्स से मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने सिनेमैटिक यूनिवर्स में थोर की माइंड पावर देखी है, और प्रोफेसर एक्स की तरह थोर दूसरे के माइंड से भी मेमोरी इरेज कर सकता है। थोर अपने माइंड पावर को गिफ्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब लोकी ने जेन फ्रॉस्ट को किडनैप किया था, तब थोर अपने माइंड पावर का यूज़ करके जेन फ्रॉस्ट के माइंड से लोकी की पूरे एक्टिविटीज़ को इरेज कर देता है। सेल्फ सस्टेन। थोर ने 9 मंथ्स तक कंटिन्यू फाइट की थी, और इसका मतलब एस्गार्डियन बिना खाए पिए और सोए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं, और थोर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, वो भी बिना सांस लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थोर को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं है। गॉड को भी खाने पीने की ज़रूरत होती है, लेकिन थोर एक गॉड है और गॉड हज़ारों सालों तक जिंदा रहते हैं, इसलिए कुछ महीने गॉड्स के लिए कुछ मिनट के बराबर होते हैं। सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थोर की फिजियोलॉजी बाकी एस्गार्डियन से अलग है। हल्क से ज़्यादा पावर्स और एबिलिटी थोर के पास है, और कैप्टन अमेरिका की तरह थोर के पास लिमिटलेस स्टेमिना है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का स्टेमिना थोर से थोड़ा कम है, और थोर ने अपनी स्टेमिना दिखाई है फ्रॉस्ट जायंट के खिलाफ। अगर पूरे एवेंजर्स को देखें तो थोर लंबे समय तक फाइट कर सकता है। फाइटिंग स्किल्स। थोर पिछले 1500 सालों से फाइट कर रहा है, और थोर ने काउंटलेस एनिमीज को हराया है इन 1500 सालों में, और 9 रियलम्स को भी प्रोटेक्ट किया है। फाइट करने के लिए थोर को बहुत सारे वेपन्स चलाने आते हैं, जैसे स्वॉर्ड्स, म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर, और अगर थोर के पास वेपन ना हो तब भी थोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर्स है। थोर के पास मॉडर्न और एंशियंट फाइटिंग स्किल्स और नॉलेज है, और इसी स्किल की वजह से थोर स्ट्रॉन्गेस्ट एस्गार्डियन होने के साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी है। टेलीपोर्टेशन। थोर टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन टेलीपोर्टेशन के लिए थोर को म्यूनियर नहीं तो स्टॉर्म ब्रेकर की ज़रूरत है, और स्टॉर्म ब्रेकर का एक एडवांटेज है कि वो बायफ्रॉस्ट को बुला सकता है, जो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि कैसे थोर ने वाकांडा में एंट्री की थी बिना कम्युनिकेशन के। थोर टेलीपोर्टेशन के जरिए यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि उसे अपना वेपन चाहिए। वॉरियर मैडनेस। अगर फाइट करते टाइम एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब थोर के पास कोई वेपन ना हो या थोर हारने के एक कदम दूर हो, तब थोर अपने वॉरियर मैडनेस पावर को यूज़ करता है, जिससे थोर कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाता है, और थोर को और पावरफुल बनाती है उसकी लाइटनिंग पावर्स, जो थोर ने हेलप और ब्रिज फाइट में यूज़ की थी, और बैटल ऑफ वकांडा में भी हमें ये पावर देखने मिले। तो ये सारे वो पावर्स थे जो थोर इनडायरेक्टली यूज़ करता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कुछ कुछ कॉमिक्स में भी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कोई पावर रह गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।